SC ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ दहक उठा देश। दलित संगठनों ने बुलाया भारत बंद। देश के कई राज्यों में हिंसा, अब तक 9 की मौत। देश भर में फैली दलित हिंसा पर दिल्ली में बीजेपी की बैठक। अध्यक्ष अमित शाह के साथ पीयूष गोयल समेत दिग्गज नेताओं ने चर्चा की। मेरठ के शोभापुर में दलित प्रदर्शनकारियों ने फूंक दी पुलिस चौकी, पुलिसकर्मियों को भी पीटा। मेरठ में दलित प्रदर्शनकारियों ने मचाया तांडव। दिल्ली देहरादून हाईवे पर बसों में लगाई आग। मेरठ में भी फूंकी दर्जनों गाड़ियां, रास्ते में फंसे मुसाफिर। यूपी के मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाने में दलित उपद्रवियों ने लगाई आग, दुकानदारों से बदसलूकी। मैनपुरी में प्रदर्शनकारियों का हंगामा, ट्रेन रोक कर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के आजमगढ़ में दलित प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया उत्पात, कई वाहनों में तोड़फोड़ की। आजमगढ़ में प्रदर्शन के बाद उपद्रवियों ने फूंकी बस, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आजमगढ़ के जीएनपुर में उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बाराबंकी में भी दलित प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम। SC ST एक्ट में बदलाव का विरोध। फिरोजाबाद में नारखी में प्रदर्शनकारियों का उत्पात, पेड़ काटकर सड़क पर फेंका, चक्का जाम किया। यूपी के फिरोजाबाद में उत्पात, पुलिसकर्मी को जमकर पीटा। झांसी कानपुर राजमार्ग को प्रदर्शनकारियों ने किया जाम, रास्ते में फंसे यात्री। बिजनौर में दलित प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात, दुकानों में जमकर तोड़फोड़। कानपुर में दलित पैंथर पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पात, चक्का जाम कर नारेबाजी की। मुरादाबाद में भी SC ST एक्ट में बदलाव के विरोध में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, कई दुकानदारों से झड़प। संभल में SC ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ हजारों की संख्या में दलितों का प्रदर्शन, जबरन बंद कराई गई दुकानें। वाराणसी में विरोध कर रहे दलितों ने तोड़फोड़ की, उपद्रवियों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बूथ पर पत्थरबाजी की, उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। गाजियाबाद के लोनी और गोशाला रेलवे स्टेशन फाटक पर भी प्रदर्शनकारियों का हंगामा, कई कारों में तोड़फोड़, आज तक की टीम पर भी हमले की कोशिश। ग्रेटर नोएडा में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बसों में तोड़फोड़ की, एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में दलित प्रदर्शनकारियों की गुंडागर्दी, कई वाहनों में तोड़फोड़ की, वाहनों में आग लगाई। हापुड़ में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर किया जानलेवा हमला, ASP DSP समेत कई पुलिसकर्मी घायल। ग्वालियर में उपद्रवियों ने गोले का मंदिर इलाके में स्कूल बस समेत 6 वाहनों में आग लगाई, इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ग्वालियर में SC ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ हथियार लेकर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी ने सरेआम फायरिंग की। रिवॉल्वर लहराकर प्रदर्शनकारी ने व्यापारियों को दी धमकी, जबरन बंद कराई दुकानें। मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया, ट्रेन में तोड़फोड़ की। उत्पातियों ने पुलिस पर किया हमला, पुलिस की फायरिंग में एक शख्स घायल। मुरैना में राइफल लेकर SC ST एक्ट के बदलाव का विरोध, प्रदर्शनकारी ने खुलेआम लहराई राइफल। मध्य प्रदेश के सागर में दलित संगठनों का विरोध प्रदर्शन, देसी शराब की दुकान में तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भीम सेना के व्यापारियों से झड़प, दुकानों में तोड़फोड़। राजगढ़ के खुजनेर में प्रदर्शनकारी और व्यापारियों के बीच भिड़ंत, जमकर हंगामा हुआ। मालवा में भीम आर्मी ने दुकानदारों से मारपीट की, जबरन बंद कराई दुकान, उत्पातियों के साथ दिखे स्थानीय विधायक। धौलपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के महल पर प्रदर्शनकारियों ने की पत्थरबाजी, SC ST एक्ट में बदलाव के विरोध में प्रदर्शन। जोधपुर में पावटा चौराहे पर
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, पुलिस ने भांजी लाठी, दागे आंसू गैस के गोले। अजमेर में प्रदर्शनकारियों का हंगामा, कई जगह पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीकानेर के कोलायत में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसात्मक झड़प, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई वाहनों को आग लगाई। राजस्थान के भरतपुर में भी प्रदर्शनकारियों का हंगामा, रेलवे ट्रैक को जाम किया। जयपुर में प्रदर्शनकारियों ने किया जोरदार हंगामा, कई जगह पथराव। राजस्थान के अलवर में प्रदर्शनकारियों का हिंसक आंदोलन, पुलिस पर किया पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। हंगामा कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, एक प्रदर्शनकारी की मौत। जोधपुर में प्रदर्शनकारियों ने एएसआई को घेरकर पीटा, अस्पताल में किया गया भर्ती, हालत बहुत नाजुक। राजस्थान के डीजीपी ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की, कहा हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। दलित संगठनों के भारत बंद को मायावती ने भी दिया समर्थन, कहा हम संसद में नहीं फिर भी सरकार को घुटनों पर लाने में सक्षम। दलितों के बंद के समर्थन में आए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कहा दलितों को आखिरी पायदान पर रखती है बीजेपी और आरएसएस। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, मोदी सरकार में दलित अधिकारों का सम्मान, हमने दलित को बनाया देश का राष्ट्रपति। कानून में संशोधन को लेकर हुई हिंसा को संघ ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, भैयाजी जोशी का बयान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संघ का कोई संबंध नहीं। एससी एसटी एक्ट में बदलाव पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका, केंद्र की दलील, कानून बनाना संसद का काम। इराक के मोसूल से लाए गए 38 भारतीयों के अवशेष, दो विशेष विमानों से अमृतसर पहुंचे ताबूत। डीएनए मिलान के बाद लाए गए 38 शवों के अवशेष, 39वें भारतीय की अस्थियां लाने में लग सकते हैं 2 महीने और। जून 2014 में आईसिस आतंकियों ने की थी 39 भारतीयों की हत्या, इस साल 20 मार्च को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुष्टि की थी। पंजाब के रहने वाले थे मारे गए 39 में से 27 लोग, बाकी मृतकों के अवशेष विमान से ही पहुंचाए गए बिहार और पश्चिम बंगाल। एयरपोर्ट से एम्बुलेंस के जरिए परिजनों तक पहुंचाए गए शवों के अवशेष, मातम में डूबे परिवार। परिजनों को दी गई ताबूत न खोलने की सलाह, कब्र से निकाले जाने के बाद शवों की स्थिति है बेहद खराब। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का खुलासा, मोसूल में मारे गए सभी 39 भारतीय अवैध तौर पर गए थे इराक। मोसूल में मारे गए भारतीयों की विदेश यात्रा का नहीं है सरकारी रिकॉर्ड, लेकिन केंद्र सरकार ने परिजनों को दिया मदद का भरोसा। पंजाब सरकार ने भी किया मदद का ऐलान, सभी 27 लोगों के परिवार को मिलेंगे 5-5 लाख और एक सदस्य को सरकारी नौकरी। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह की निगरानी में लाए गए मोसूल से भारतीयों के शव कल ही इराक रवाना हुए थे केंद्रीय मंत्री। श्रीनगर के शोपियां में शहीदों को दी गई आखिरी श्रद्धांजलि, कल आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे 3 जवान। शोपियां के शहीदों में बीकानेर के हेतराम शामिल, पैतृक गांव में पार्थिव शरीर पहुंचने का इंतजार। शोपियां एनकाउंटर के विरोध में अलगाववादियों ने कश्मीर में किया बंद, स्कूल कॉलेज और बाजारों में सन्नाटा रहा। रविवार को सेना ने किया कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, 3 अलग अलग एनकाउंटर में 13 आतंकी ढेर, जिंदा पकड़ा गया एक। सच ए बिग एनकाउंटर, सिचुएशन इंप्रूव्स इन साउथ कश्मीर, पर्टिकुलरली शोपियां डिस्ट्रिक्ट, विटनेसेस ए पीसफुल समर इन द डेज टू कम। वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ने के पक्ष में नहीं केंद्र सरकार, सूत्रों का दावा, सरकार ने खारिज किया प्रस्ताव। मानहानि केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक और माफीनामा, वित्त मंत्री अरुण जेटली से माफी मांगी, जेटली ने माफ किया। अपनी सुविधाएं रखने के लिए कि आपको 4 दिन जेल ना जाना पड़े या आपके चुनाव लड़ने में योग्यता ना हो जाए और आपकी कोठियां बनी रहें, आपके पद बने रहें, इसके लिए आप बेशर्मी ओढ़ रहे हैं। मुझे तो पता नहीं है कि डीडीसीए में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। पीएनबी घोटाले में आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख चंदा कोचर और एक्सिस बैंक प्रमुख शिखा शर्मा भी जांच के दायरे में, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने भेजा समन, इसी हफ्ते हो सकती है पूछताछ। नीरव मोदी मामले में विदेशों में कामकाज करने वाले 3 भारतीय बैंक सीबीआई के रेडार पर, जीएम स्तर के 5 अधिकारियों से हुई पूछताछ।
पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दी दखल, सीबीएसई चेयरपर्सन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव को नोटिस भेजा। पेपर लीक कांड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट भी सख्त, सीबीएसई, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से 10 दिन में मांगी मामले की स्टेटस रिपोर्ट। जनहित याचिका की सुनवाई के दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस, मांग लीक प्रूफ परीक्षा के सिस्टम का खाका। सीबीएसई के रवैये पर भी दिल्ली हाईकोर्ट नाराज, पूछा दसवीं की परीक्षा दोबारा तय करने में क्यों लग रहे हैं 2 महीने। कोर्ट की फटकार के बाद बवाना के स्कूल प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर सकती है दिल्ली पुलिस, कोर्ट ने पूछा था प्रिंसिपल को क्यों दी क्लीन चिट। मथुरा का एक गांव बना ट्रैक्टर चोरों का गढ़, पुलिस के छापे में 80 ट्रैक्टर बरामद, बीकानेर पुलिस की खबर पर हुआ खुलासा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्राओं के यौन शोषण के मामले का खुलासा, केमिस्ट्री के एचओडी के खिलाफ एमएससी के छात्र छात्राओं ने खोला मोर्चा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में संपत्ति के लिए बेटे ने ली मां की जान, सिर पर लोहे की रॉड से वार कर उतारा मौत के घाट, 2 भाइयों को भी जख्मी किया। गुजरात के वापी में नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूब कर मौत, रेस्क्यू टीम ने 7 को बचाया। सीतापुर में पुलिस से मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों में 2 हिस्ट्री शीटर। बरेली में दिखी लुटेरे की अजीबोगरीब सनक, लूट से पहले राहगीरों को सड़क पर कराया डांस, मना करने पर शख्स को गोली मारकर जख्मी किया। दिल्ली में आवारा कुत्ते ने बच्चे को किया लहूलुहान, कई लोगों को काटा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बुलढाणा में दिखा किसान का दर्द, फसल का वाजिब दाम न मिलने पर टमाटर किसान ने लोगों को मुफ्त में बांटी फसल। इटावा में प्रशासन की लापरवाही का शिकार हुए दिव्यांग, मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन के बावजूद नहीं मिला वाहन, भूखे प्यासे लौटे घर। अखाड़ा परिषद ने जारी की फर्जी बाबाओं की चौथी लिस्ट, इलाहाबाद के सत्यम बाबा का नाम शामिल, अब तक 20 फर्जी बाबाओं के नाम का ऐलान। आज राष्ट्रपति भवन में दिए गए पद्म सम्मान, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष समेत तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने आर्मी की वर्दी में पद्म भूषण लिया, आज ही के दिन 2011 में देश को दिलाया था आईसीसी वर्ल्ड कप। बिलियर्ड्स में 19 बार के वर्ल्ड चैंपियन पंकज आडवाणी और भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा ने भी राष्ट्रपति के हाथों लिया पद्म भूषण। बॉलीवुड अभिनेता मनोज जोशी को मिला पद्मश्री, कुल 44 हस्तियों को दिए गए पद्म सम्मान। 25 जनवरी को हुआ था 85 हस्तियों के नाम का ऐलान, 20 मार्च को 41 लोगों को दिए गए थे पद्म सम्मान। एलपीजी की कीमतों में हुई कटौती, बगैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 35 रुपए और सब्सिडी वाला सिलेंडर 1 रुपए 74 पैसे सस्ता हुआ। पेट्रोलियम मंत्री ने उठाया पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का मुद्दा, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा ग्राहकों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा कंपनियां गठित करने की अनुमति, राज्य बनाएंगे अपनी बीमा कंपनियां। 286 अंकों की छलांग लगाकर 33,255 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 98 अंक बढ़कर 10,211 पर। 110 रुपए बढ़कर 31,460 रुपए प्रति तोला हुआ सोना चांदी की कीमत, 175 रुपए बढ़कर 39,375 रुपए प्रति किलो। 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष में लक्ष्य से अधिक जमा हुआ डायरेक्ट टैक्स, सरकार के खजाने में आए 9.95 लाख करोड़ रुपए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अनुसार 6.84 करोड़ लोगों ने फाइल किया इनकम टैक्स रिटर्न, 99.5 लाख नए करदाता जुड़े। एयर एशिया ने पेश किया सस्ते हवाई सफर का ऑफर, केवल 1,399 रुपए में हवाई उड़ान का मौका। कावासाकी ने लॉन्च किया निंजा का नया मॉडल, 4,69,000 रुपए है कीमत। सस्पेंशन में खराबी के चलते 56,000 से अधिक स्कूटर वापस मंगाएगी होंडा, एक्टिवा, एविएटर और ब्रेजिया में है खराब। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।